हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन माना जाता है ये चैप्टर नंबर 1, जो कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है अकाउंटिंग का। पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर मानो, उसमें जो 17 नंबर क्वेश्चन है उसको थोड़ा टफ क्वेश्चन माना गया है। तो उसके पहले टर्म्स लेते हैं। ये मैंने टर्म्स यहाँ पर लिख ली है, जैसे ओल्ड एडिशन अगर आप पढ़ रहे हो, न्यू एडिशन पढ़ रहे हो, तो नंबरिंग में थोड़ा सा चेंज आता है। मैंने सारे टर्म्स यहाँ पर लिख ली है। यहाँ पर क्या है, कैपिटल ऑफ पार्टनर इज गिवन, पी एंड क्यू आर द पार्टनर्स, देयर कैपिटल इज 5 लाख एंड 3 लाख, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 7,60,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड टू द पार्टनर्स 8% पर एनम, मतलब एनुअली इंटरेस्ट होगा 8% रेट के हिसाब से। कमीशन टू पी, एज पर द पार्टनरशिप डीड पी को कमीशन दिया जा रहा है, एंड दैट वुड बी 3% ऑन टर्न ओवर। टर्न ओवर का मतलब क्या है, टर्न ओवर का मतलब है एक पर्टिकुलर पीरियड पे जो सेल होती है उसको हम टर्न ओवर बोलते हैं। और अगर यहाँ पे 3% ऑफ टर्न ओवर बोला है तो आपको ऑब्वियसली क्वेश्चन में टर्न ओवर भी दी होगी। नेक्स्ट, सैलरी टू क्यू 5,000 पर मंथ, क्यूज कमीशन 5% ऑफ प्रॉफिट, क्यू को कमीशन भी मिल रहा है 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इवन हिज ओन कमीशन। क्यू का कमीशन कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ टर्म्स को ध्यान में रखना है। 5% ऑफ नेट प्रॉफिट तो होगा, लेकिन वो 5% के बाद आप क्या करेंगे, 5% कौन सी अमाउंट का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें से माइनस होना चाहिए, सैलरी उसमें से माइनस होना चाहिए, कमीशन उसमें से माइनस होगा, चाहे वो पी है चाहे क्यू है। यहाँ पर क्लियर लिखा है इवन हिज ओन कमीशन। नेक्स्ट, रेंट टू पी दैट वन इज 20,000, ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर 40,000 एंड द 30,000, टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर 20 लाख। मैंने पहले ही बोला था कि अगर आपको कमीशन के लिए रेट दी है टर्नओवर पे तो टर्नओवर भी गिवन होगा। एक बार मैं क्वेश्चन बुक के होर्डिंग में रीड कर देती हूँ। पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 60:40, मीन्स द रेशियो इज 6:4 एंड वी कैन से 2:3:2। इस टाइप से हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं। पहले हमने 0 को खत्म किया, देन वी रिसीव 6:4, और फिर हमने इनको काट दिया तो देन वी रिसीव 3:2। ये रेशियो दी हुई है, कैपिटल ऑफ द पार्टनर 5 लाख, पी एंड क्यू 3 लाख, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2023 दे अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 7 लाख 60,000, वो मैं लिख चुकी हूँ। आगे आपको बताया है, Before taking into account any of the following term of partnership, interest on capital 8% per annum, first term, P will get a commission 3% of turnover, Q will get a salary 5,000 per month, Q will get a commission, fourth number point, that one is 5% of the profit. कुछ conditions है वो ये है। Then rent to the partner, rent to the partner जो कि rent P को दिया गया है, amount is 20,000 per month, partners drawing 40,000 and 30,000, आगे आपको दिया है turnover of the business that is 20 lakh। Now you are required to prepare profit and loss appropriation account and capital account of the partner। इस क्वेश्चन में हम P&L appropriation भी बनाएंगे और कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट का जो टॉपिक रहता है वो हम इस क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट नेट प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट हमें रिसीव हुआ है फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, वो हमने यहाँ पे लिखा 7,60,000 इज गिवन टू यू। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है हमने 3 टर्म्स का ध्यान रखना है। 3 टर्म्स में एक थी रेंट टू द पार्टनर, सेकेंड वन इंटरेस्ट ऑन लोन, एंड थर्ड वन मैनेजर्स कमीशन। ये तीन
चीजें प्रॉफिट में से जब माइनस होंगी तभी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जब हमने स्टार्ट किया तो हमने देखा कि रेंट टर्म इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, सो द रेंट अमाउंट 20,000 मल्टीप्लाइंग बाय 12, क्योंकि रेंट पर मंथ के हिसाब से दिया है और हम ये अकाउंट बना रहे हैं एज पर द एनुअल बेसिस। 20,000 मल्टीप्लाइंग बाय 12 एंड द अमाउंट इज 2,40,000, वी विल डिडक्ट फ्रॉम द 7,60,000 एंड द अमाउंट वी रिसीव 5,20,000। मींस हमारा प्रॉफिट जो पार्टनर्स के लिए बचा वो है 5,20,000। रेंट चाहे पार्टनर्स को देना है या किसी अदर को देना है, रेंट इज चार्ज ऑन प्रॉफिट, मींस वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है ना कि P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट। तो हमारी क्रेडिट साइड में सबसे पहले हमने प्रॉफिट लिखा, हम क्रेडिट साइड को ही पहले कंप्लीट करते हैं फिर हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। मैंने पहले ही बताया है आप शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर पी पार्टनर क्यू। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आई थिंक इंटरेस्ट रेट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो वी विल लीव दिस पॉइंट। नाउ डेबिट की साइड चलते हैं। फर्स्ट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी एंड क्यू, दीज आर द टू पार्टनर, दोनों को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है। कैपिटल कितनी बताई थी 5,00,000 एंड 3,00,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बताया 8%, 8% ऑफ द 5,00,000 दैट वन इज 40,000। पी के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000, क्यू 24,000 एंड द टोटल इंटरेस्ट इज 64,000। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई। एग्जांपल बताती हूँ मैंने कैसे किया। पी की कैपिटल हमारी 5,00,000, 8% ऑफ दिस एंड द अमाउंट वी रिसीव 40,000। इसी तरीके से क्यू की कैपिटल का 8% कैलकुलेट करेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। नाउ टू सैलरी अकाउंट। सैलरी किसको दी गई है? सैलरी सिर्फ क्यू को दी गई है। हम यहाँ पे ब्रैकेट में क्यू लिख सकते हैं। सैलरी इज गिवन 5,000 पर मंथ, मींस वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय द 12, मींस सैलरी टू क्यू 60,000। आई थिंक दीज पॉइंट्स आर क्लियर। नाउ टू कमीशन। कमीशन दोनों ही पार्टनर को देना है। कमीशन अकाउंट पी एंड क्यू। पहले हम पी का कमीशन कैलकुलेट करेंगे। पी के कमीशन के लिए बोला है पी इज कमीशन 3% ऑन टर्नओवर। टर्नओवर इज गिवन 20,00,000। इसका हम अगर 3% कैलकुलेट करते हैं देन अमाउंट इज 60,000। एक का कमीशन तो हो गया। अब हम बात करेंगे क्यू का कमीशन। अब हमें यहाँ फोकस करना है क्यू के कमीशन कैलकुलेट। एक काम करते हैं, मैं कमीशन की कैलकुलेशन यहाँ करती हूँ, आपको क्लियर समझ आएगा। दिस इज माई वर्किंग नोट। क्यूज कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको चाहिए नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इज 5,20,000। आपको बोला है लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है भाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लेस करेंगे, अमाउंट इज 64,000 माइनस करेंगे 4,56,000। नाउ हम लेस करेंगे सैलरी। सैलरी ऑफ द पार्टनर इज 60,000 नाउ वी रिसीव 3,96,000 नाउ कमीशन कौन सा कमीशन? क्यू का कमीशन।
कमीशन, कौन सा कमीशन? क्यू का कमीशन। क्यू का कमीशन कैसे? हमें तो दिया ही नहीं, अब हम क्या करेंगे? आपको बोला है आफ्टर चार्जिंग ऑन कमीशन, हिज ऑन कमीशन, इवन हिज कमीशन, कि इस प्रॉफिट अमाउंट में उसका कमीशन भी इंक्लूड है। मींस दिस अमाउंट इज नॉट इज इक्वल टू 100%, दिस इज इक्वल टू 100+5 कमीशन, मींस इट इज 105% अमाउंट। पी का कमीशन माइनस करना है, पी कमीशन दैट अमाउंट इज 60,000। अब हमें अमाउंट रिसीव हुई है 3,36,000। नाउ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हमें यहां से क्यू का कमीशन भी माइनस करना पड़ेगा, लेकिन करेंगे कैसे? 5% इज रेट इज गिवन एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, मींस दिस अमाउंट इज नॉट इक्वल टू 100, इट इज 100+ कमीशन, मींस इट इज 100+5। सो वी विल कैलकुलेट इन कमीशन लाइक दिस, 5 / 105। This is the way to calculate commission, and the amount of the commission is 16,000. Here we will write Q's commission 16,000, and the total commission is 76,000. Now we will get divisible profit. Total this side 5,20,000. 5,20,000 is the credit side. And now in the debit. Listen, इतनी calculation तो हम कर ही चुके हैं, 3,36,000 में से अब 16,000 कमीशन हो माइनस कर दो। अब हमें रिसीव होगा 3,20,000। It is called divisible profit, और इसको हम distribute कर देंगे among the partner to profit transferred to capital account. Partner P and partner Q. कैसे distribute करना है? 3,20,000 एंड द रेशियो इज 3:2। मीन्स हमें पहले इसको 5 से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाइंग बाय 3 कर देना है, तो पीज प्रॉफिट और 3,20,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइंग बाय 2 इज द क्यूज प्रॉफिट। आफ्टर प्रोवाइडिंग द कमीशन, जब हम पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हियर इट इज द डिविजिबल प्रॉफिट, दैट वन इज 3,20,000। वो हमें रिसीव हुआ है प्रॉफिट लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस सैलरी लेस कमीशन, कमीशन पीज कमीशन एंड नाउ क्यूज कमीशन, एंड वी रिसीव 3,20,000। इट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट, जो हमने डिवाइड करना है पार्टनर्स में इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा, कैसे बांटा? 3/5, 2/5 एंड पीज शेयर 1,92,000, क्यूज शेयर 1,28,000। इसी क्वेश्चन की हेल्प से अब हम करेंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आपको अब ये देखना है कि इसी अकाउंट में पार्टनर्स की कैपिटल या पार्टनर्स के नाम कहां कहां आए हैं। पहला सैलरी, पार्टनर्स को प्रोवाइड की गई है सैलरी, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकंड नंबर सैलरी, यहां पार्टनर का नाम है। थर्ड नंबर कमीशन में भी पार्टनर का नाम है। फोर्थ नंबर लास्ट में डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर किया गया है। विद द हेल्प ऑफ दिस वी विल प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे जो रेंट था ये भी पार्टनर को दिया गया है, बट हम इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इट इज चार्ज ऑन प्रॉफिट, नॉट इट इज चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट है उनको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कहने का मतलब
ये एक कॉमन एक्सपेंसेस है और ये प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसलिए हम इस अमाउंट को पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑल्सो नॉट द पार्ट ऑफ कैपिटल, रेंट टू द पार्टनर इज ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, सेम स्ट्रक्चर जैसे हमने आज तक बनाए हैं लेजर में। पहले हमने लिखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले जोन सा भी अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो ऊपर नाम जरूर लिखना है कि ये कौन सा अकाउंट है। जैसे यहाँ पे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, सेम पर्टिकुलर लिखेंगे यहाँ पे, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, ये प्यू कॉलम फॉर द पी एंड कॉलम फॉर द क्यू। इन द डेबिट साइड कॉलम फॉर द पी एंड कॉलम फॉर द क्यू। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पी एन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल बाय बैलेंस बीडी, कि पिछला बैलेंस कितना था। अगर बिजनेस नया स्टार्ट हुआ है तो बैलेंस की बजाय हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि जब नया बिजनेस होता है तो पुरानी कैपिटल तो थी नहीं उनकी, पुरानी कैपिटल नहीं थी, नई कैपिटल लगाई है। नई कैपिटल बैंक ट्रांजेक्शन कह सकते हैं, बाय कैश कह सकते हैं। अब बाय बैलेंस बीडी अगर बिजनेस पुराना है तो, फिर से बता रही हूँ, बिजनेस पुराना है देन बैलेंस बीडी, अगर नया है देन बाय बैंक और बाय कैश। एंड द अमाउंट इज गिवन टू यू, 5 लाख कैपिटल है आपके पास पी, 3 लाख कैपिटल क्यू। जब भी हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, छोटा सा याद रखने वाली बात है, पार्टनर्स को कोई भी अमाउंट मिलेगी तो उनके क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगी, अगर कोई भी अमाउंट उनके कैपिटल से रिड्यूस होगी तो वो डेबिट में ट्रांसफर होगी। इधर प्लस इधर माइनस, यहाँ प्लस करेंगे यहाँ हम माइनस करेंगे। जब भी किसी पार्टनर को कोई भी अमाउंट मिलती है हम उसकी अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, जब भी किसी पार्टनर की अकाउंट रिड्यूस होगी तो हम उसकी अकाउंट को डेबिट करेंगे। नाउ ये बैलेंस हो गया। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में हमने देखा था कि पार्टनर को कौन कौन सी टर्म्स मिल रही है। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, हमने यहाँ पे लिखना है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द पी 40,000, फॉर द क्यू 24,000। इंटरेस्ट हो गया, ठीक है भाई। सैलरी देनी थी बाय सैलरी अकाउंट, किसको मिल रही है क्यू को, क्यू के कॉलम में लिखेंगे अमाउंट इज 60,000। यहाँ हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं या निशान भी लगा सकते हैं, फर्क। नाउ कमीशन मिलना है बाय कमीशन फॉर द पी 60,000 एंड द क्यू 16,000। जितनी भी अमाउंट ट्रांसफर होनी थी क्रेडिट में हमने ट्रांसफर कर दी, एक रह गई है डिविजिबल प्रॉफिट, यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके हिस्से में 1,92,000 रिसीव हुआ और क्यू के हिस्से में 1,28,000 रिसीव हुआ। जितनी टर्म थी हमने उसी हिसाब से ट्रांसफर कर दी। नाउ इन द डेबिट साइड किन किन वजह से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट रिड्यूस होंगे, उन टर्म्स को आपको देखना है। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है हम यहाँ पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो तो दिया ही नहीं तो एक ड्रॉइंग को देंगे, यहाँ लिख देंगे टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। ड्रॉइंग अमाउंट जो थी दैट वन इज फॉर द पी 40,000 एंड फॉर द क्यू 30,000। ये दोनों की ड्रॉइंग दी थी, हमने डेबिट में ट्रांसफर की। इन चीजों से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो गए थे, हमने क्रेडिट में ट्रांसफर किए, ड्रॉइंग की वजह से कैपिटल घट गई है, हमने उसको डेबिट में ट्रांसफर किया। नाउ वी विल मेक द टोटल ऑफ बोथ साइड एंड विल गेट द डिफरेंस। क्रेडिट साइड टोटल करेंगे, डेबिट साइड टोटल करेंगे और फिर हम डिफरेंस को पता करेंगे। सो वी गेट द टोटल ऑफ P's कैपिटल क्रेडिट साइड 7,92,000 एंड Q's कैपिटल 5,28,000। टोटल बोथ द साइड विल सेम 7,92,000 डबल 9,
5,28,999 एंड नाउ वी विल गेट द डिफरेंस। टोटल हमारा 7,22,000। जो टोटल पैसा पी के पास है वो 7,22,000 है। उसने ड्रॉइंग ली थी ड्यूरिंग द ईयर, तो नेट बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल, यहाँ हम लिखेंगे टू बैलेंस सीडी मतलब कैरिड डाउन, बीडी मतलब ब्रोट डाउन जो पिछले साल से अब आया है, कैरिड डाउन जो अगले साल हम लेके जाएंगे। 7,92,000 में से हम 40,000 को माइनस करेंगे, वी रिसीव 7,52,000। नाउ टोटल इज 5,28,000, 30,000 हम माइनस करेंगे एंड वी रिसीव 4,92,000। दिस टाइप यू विल प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, दिस टाइप यू विल प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट देयर आर द टू वे टू प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट फ्लक्चुएटिंग मेथड एंड सेकेंड वन इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड। इफ यू आर फॉलोइंग द फ्लक्चुएटिंग देन यू हैव टू प्रिपेयर वन अकाउंट, दैट इज कैपिटल अकाउंट ओनली। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फिक्स्ड कैपिटल मेथड देन यू हैव टू प्रिपेयर टू कैपिटल अकाउंट, मीन्स टू अकाउंट, वन इज द कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड वन इज द करंट अकाउंट। अगर मैं इसी क्वेश्चन के थ्रू में डिफरेंस बताऊं, तो ये हमने जो अकाउंट बनाया है, कैपिटल अकाउंट बनाया है, वो एज पर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बनाया है। अगर हम यहाँ पे फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाते तो हम ये वाली टर्म को हटा देते। फिक्स कैपिटल मेथड में वी हैव टू प्रिपेयर टू अकाउंट, वन इज कैपिटल, सेकंड वन इज फ्लक्चुएटिंग। कैपिटल अकाउंट में वी विल राइट डाउन ओनली बैलेंस 5,00,000 एंड 3,00,000। एक बार करके देख लेते हैं। एज पर द फिक्स कैपिटल वी विल प्रिपेयर टू अकाउंट, वन इज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में क्या, ओनली बैलेंस बीडी एंड बैलेंस सीडी, यही टर्म होगी कैपिटल अकाउंट में, बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स, बिकॉज दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल विल फिक्स, उनकी कैपिटल मूव नहीं करेंगे, बिल्कुल फिक्स रहेगी, ये 5,00,000 और 3,00,000 रहेगी। अगर उन्होंने डिसाइड किया कि हम पार्ट अपनी कैपिटल को चेंज कर रहे हैं, दे हैव टू पास अ रेजोल्यूशन, उसके बाद वो चेंज कर सकते हैं। तो सिर्फ चार ही इंफॉर्मेशन हो सकती है, बैलेंस बीडी वन, बैलेंस सीडी टू, एंड थर्ड वन बाय बैंक। अगर वो डिसाइड करते हैं कि और कैपिटल आनी चाहिए, एंड फोर्थ वन टू बैलेंस टू बैंक अकाउंट। अगर वो चाहते हैं कैपिटल को विड्रॉ कर ले, इसके अलावा इस अकाउंट में और कोई भी एंट्री नहीं होगी। ये जो पहले हमने बनाया है ये है एज पर फ्लक्चुएटिंग मेथड, पार्टनर्स कैपिटल एज पर द फ्लक्चुएटिंग, जिसमें कैपिटल के बैलेंसेस प्लस ऑल प्लस माइनस हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। लेकिन फिक्स कैपिटल में ये हमारा कैपिटल अकाउंट होगा, और अगर हम इस टर्म को हटा देते हैं, ये बैलेंस वाली टर्म को अगर हम हटा देते हैं, रिमेनिंग सारी इंफॉर्मेशन जो होंगी वो हमारी करंट अकाउंट में होंगी। टू नंबर अकाउंट इज करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में रिमेनिंग सारी इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट कैपिटल बैलेंस, और साथ में जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कोई भी टर्म हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में, एट द प्लेस ऑफ दैट वी विल राइट ट्रांसफर टू द करंट अकाउंट। थैंक यू।